चित्तौड़गढ़ शहर में किराना की दुकान पर खाद्य सामग्री बेचने का आरोप लगाकर केस नहीं बनाने और सैंपल नहीं लेने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दबोचा गया। जी हां, ये कार्रवाई भीलवाड़ा एसीबी टीम ने की है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण ने इस पर बताया कि शहर के जिला अस्पताल के पास रहने वाले अशरफ हुसैन ने भीलवाड़ा एसीबी टीम में शिकायत दर्ज कराई थी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान पर आउटडेटेड खाद्य सामग्री बेचने का आरोप लगाकर केस बनाने की बात कही थी और मामले में केस नहीं बनाने और सैंपल नहीं लेने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की। इसके बाद एसीबी की टीम ने पूरे मामले का सत्यापन कराया और कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों के पास से 10,000 रुपए की राशि जब्त की गई है। अशरफ हुसैन निवासी बुंदी रोड चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 26 मई को एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी किराना की दुकान है, जिसमें रविवार के दिन श्री राजेश टिंकर और श्री सुनील कुमार गर्ग दोनों खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकान चेक करने आए और कहा कि तेरी दुकान में जो सामान विक्रय कर रहे हो ये खराब है और इसका केस दर्ज कर दूंगा मैं। अगर आपको केस नहीं करवाना है, कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हो, 10,000 रुपये रिश्वत के रूप में दे। इस शिकायत पर 26 मई को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होने पर आज ड्राइव का आयोजन किया और दोनों को 10,000 रुपये की रिश्वत राशि से